अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं वाइट सॉस माइक्रोनी की रेसिपी लेकर आई। ये इटालियन डिश है, पर इसे हम घर में अच्छे से बना के दिखाएंगे। जिस तरीके से हम बना के दिखाएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ये डिश तैयार होगा। बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे माइक्रोनी पास्ता। इसे व्हाइट सॉस के साथ हम आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैकेट माइक्रोनी को गर्म पानी करके उसमें नमक तेल डाला, उबाल लिया है। 80% कुक होने के बाद हमने स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके छान लिया है। तो आप देख सकते हैं ये पास्ता अपना तैयार है। ये न ओवर कुक हुआ है और न ही कच्चा है, यानी कि 80% ही ये पका है। चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बना लेंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने गैस पे एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। गैस को हमें ऑन कर लेना है और इसमें डालना है एक बड़ा चम्मच बटर। बटर को हमें हल्का सा मेल्ट होने देना है, नहीं तो बटर अपना जल जाएगा। बटर अपना मेल्ट होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच मैदा ले रहे हैं। अब देख सकते हैं मैदा हमें ज़्यादा नहीं लेना है। मैदे को हम बटर के साथ अच्छे से सेकेंगे। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और आराम से मैदे को सेकेंगे। मैदा जलना नहीं चाहिए, बटर के साथ अच्छे से पकाना है इसे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी बटर में मैदा पकते हुए दिख रहा है। तो ध्यान रहे, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और अच्छे से खुशबू आने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं हमने बटर के साथ मैदे को 3 मिनट तक भूना है। खुशबू आने लगी है और अपनी कढ़ाई में बटर बिल्कुल मैदे के साथ चिपक भी नहीं रहा है। तो इस स्टेज पे आप समझ सकते हैं कि अपनी मैदा जो है वो अच्छे से भून चुकी है। इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे हमने 700 ग्राम दूध लिया है। बटर में हम धीरे धीरे दूध डालेंगे। अब ये बात को ध्यान से देखिए और स्पेचुला से चलाते जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और जल्दी जल्दी स्पेचुला से चलाएंगे। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। वैसे तो मैदे में जब अपनी बटर भून जाती है तो बिल्कुल इसमें लम्स नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से इसे दूध को डालते हुए और मिक्स करते रहिए। हमने धीरे धीरे करके अपने सारे दूध डाल चुके हैं। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। हमें कंटिन्यू चलाना है, चलाना नहीं बंद करना है, नहीं तो ये पेंदी में लग जाएगा। फिर तो व्हाइट सॉस अपनी जली जली सी स्वाद में आने लगेगी। अब थोड़ा सा दूध बचा है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमने सारे दूध को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। एक प्याज लेंगे और उस पर एक तेज पत्ती रखेंगे। तेज पत्ती के ऊपर से हम एक लौंग लेंगे और इसको ऐसे दबाते हुए पिरो देंगे और इसे हम इस सॉस में डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया अपना एक फ्लेवर आता है। आप बिल्कुल इटालियन की तरह ये सॉस को महसूस करेंगे जब टेस्ट करेंगे। तो ये हमने एक प्याज को 4 टुकड़ा कर रखा है और सभी टुकड़े में एक तेज पत्ती और एक लौंग डाल के इसमें डाल दे रहे हैं। चलिए हम 3 ही डाल रहे हैं और इसे चलाएंगे। जब तक अपना सॉस गाढ़ा होगा तब तक ही हमें इसे डाल के पकाना है, बाद में हम इसे निकाल लेंगे। व्हाइट सॉस को हमने 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1 चम्मच ब्लैक पेपर और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। अब
अब हम फिर से इसे मिलाते हुए 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, यानी कि बिल्कुल अपने सॉस की कंसिस्टेंसी में आ जानी चाहिए ये दूध और मैं देखेगा होल। तो अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी व्हाइट सॉस बनी है। ये थोड़ी और ठीक होगी ठंडा होने पे, लेकिन अभी गरम गरम में यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें व्हाइट सॉस की। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया व्हाइट सॉस बनके तैयार हुई है। हमने गैस पे एक पैन रख लिया है, पैन में हम सबसे पहले 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के साथ में हम 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। हमने तेल पहले डाला है क्योंकि जब हम बटर को पिघलाएंगे तो अपनी बटर जलेगी नहीं, तो हमने तेल के साथ में बटर को अच्छे से मेल्ट होने देना है। आप देख सकते हैं तेल और बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन यानी कि गार्लिक, जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है, और इसे जस्ट आधा मिनट तक हम भूनेंगे। ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है, केवल इसकी कच्चापन हमें दूर करनी है। लहसुन अपनी हल्की सी पक चुकी है, इसमें हम डालेंगे 1 प्याज जिसे हमने छोटे छोटे काट रखा है। प्याज को भी हम बटर के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे हमें कोई भी सब्जी का कलर चेंज नहीं होने देना है, जस्ट इसकी कच्चापन दूर करनी है। बहुत अच्छी खुशबू आती है बटर के साथ आप गार्लिक ओनियन भूनेंगे तो। आप देख सकते हैं अपनी प्याज लहसुन जो है बटर के साथ अच्छे से पकी है, पर इसका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं होना होने देना है। आप देख लीजिए एक बार फिर से। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये गाजर, जिसे हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। गाजर पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम पहले गाजर डाल रहे हैं। गाजर को डाल के हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमने गाजर को अच्छे से पका लिया है, यानी कि 1.5 मिनट पकाया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे कैप्सिकम। तो यहाँ पे हमने 1 कैप्सिकम को छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे कलरफुल कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, इससे मैक्रोनी और टेस्टी बनेगी। और साथ में ही हम टमाटर डाल देंगे, क्योंकि हमें किसी को गलने नहीं देना है, सबको केवल कच्चापन दूर करके सब्जियों में गंध भी रखना है। तो इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे सारे प्रोसेस कर रहे हैं। जब हम टमाटर डाल ही दिए हैं तो इसमें नमक भी मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। एक बात ध्यान में रखना है, हमने माइक्रोनी जब बॉयल किया है उसमें भी हल्का सा नमक डाला है, सॉस में भी नमक है, तो हम उसी हिसाब से जितनी क्वांटिटी में अपनी सब्जी है उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 चम्मच हम ब्लैक पेपर डाल लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, और सब्जियों को हम अच्छे से पकाएंगे। सब्जी पकाने में हमें 2 से 3 मिनट लग सकता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने सब्जियों का कच्चापन दूर कर दिया है, पर इसमें बिल्कुल क्रंच बरकरार है। ऐसे ही हमें माइक्रोनी में सब्जियों की जरूरत होती है। अब हम इसमें माइक्रोनी डालेंगे, जिसे हमने बॉयल करके स्टेन करके रख लिया था। तो इसमें हम 1 प्लेट माइक्रोनी डालेंगे। ये बहुत टेस्टी इटालियन डिश है, इसे आप बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। सब्जी के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने वेजिटेबल के साथ माइक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हमने जो व्हाइट सॉस बना के रखा है उसमें इसे ट्रांसफर कर देते हैं। हमने आपको व्हाइट सॉस बनाना जो दिखाया था वही ये व्हाइट सॉस है, लेकिन ये हल्की सी ठंडी हो चुकी है तो हम इसे थोड़ा सा गर्म कर ले रहे हैं। हमने जो व्हाइट सॉस बना रखा था उसे हमने ले लिया है। अब हम एक फोक की मदद से हमने जो इसमें तेज पत्ती प्याज डाले थे उसे ऐसे
निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसकी केवल फ्लेवर चाहिए, हमें इसमें प्याज तेजपत्ती नहीं चाहिए। ये डालने से सॉस का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, आप डाल के जरूर देखिएगा इस तरीके से। अब हम इस सॉस में अपना माइक्रोनी डालेंगे, तो बस इसमें ट्रांसफर कर देना है। कितना बढ़िया दिख रहा है अपनी माइक्रोनी, आप देख सकते हैं, खाने में तो स्वाद आएगा ही। और इसे हम सॉस के साथ मिक्स करेंगे, आप देखिए कितनी बढ़िया अपनी माइक्रोनी बनके तैयार हुई है। हमने सॉस के साथ माइक्रोनी वेजिटेबल कितना अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फाइनली डालेंगे चीज, तो चीज हम ग्रेट करके नहीं डालेंगे, इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ के डालेंगे, तभी ये मुंह में आएगा तो टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हम 50 ग्राम चीज को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के और जगह जगह पे रख दिए हैं। ये जब मेल्ट होगा तो आपको मुंह में कितना स्वादिष्ट लगेगा आप समझ सकते हैं। चलिए हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, करीबन हम 1 से 1.5 मिनट तक मिक्स करेंगे तो अपनी चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। व्हाइट सॉस माइक्रोनी बन गया है, अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो आपको मैं दिखाते हुए प्लेटिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया माइक्रोनी बनके तैयार हुई है। इससे बच्चे तो पसंद करेंगे भी, बच्चे भी चाहेंगे कि बच्चों से दूस के मैं ही खा जाऊं, इतनी टेस्टी ये डिश तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, हमने व्हाइट सॉस माइक्रोनी बना के तैयार कर लिया है। इसे बनाना बहुत आसान है और बच्चे बड़े बहुत ही पसंद करते हैं। ये स्वाद आपको रेस्टोरेंट भी नहीं आएगा, इसका स्वाद जितना बढ़िया होता है घर में, आप मेरे तरीके से बना के देखिए। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।